Headlines, but पिशावर में ओवरटेकिंग तनाजा, मुलजिम इमरान फ्रॉडिया निकला। सरकारी गाड़ी पर सवार इमरान और इसके बच्चों का मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद, जदीद असलहे का सरेआम इस्तेमाल, खुद को पॉलिटिकल मुहर्रर जाहिर किया। मीडिया पर वीडियो आने के बाद मुलजिम इमरान ने गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम पॉलिटिकल मुहर्रर नहीं, अपनी शनाख्त गलत कराई, SP कैंट का बयान। 90 के सिक्योरिटी इंचार्ज मिनहाज काजी का वीडियो बयान सामने आ गया। हकीम सईद के कत्ल में जुल्फिकार हैदर, महमूद सिद्दीकी मुलव्वस थे। GIT के रूबरू महमूद सिद्दीकी और सफदर बाकरी के रॉ से ताल्लुकात की तस्दीक भी कर डाली। गुजरांवाला सिविल अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस से बाहर कवरेज करने पर मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद, वक्त न्यूज का कैमरामैन भी जख्मी। उधर मियां चन्नू में वोकला गर्दी का नया वाकया, रमजान बाजार में गलत पार्किंग रोकने पर वोकला का पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। धरना पार्ट 2 की तैयारियां, सानिया मॉडल टाउन को 2 साल मुकम्मल। ताहिरुल कादरी आज मॉल रोड पर एहतजाजी धरना देंगे। कंटेनर मॉल रोड पहुंचा दिया गया। मॉल रोड बंद होने से ताजिर और शहरी सख्त परेशान। शेख रशीद और कप्तान के खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। 3 साल में महंगाई की शरह 8.2 से 4.2 पर लाए हैं। 139 में से 86 बजट तजावीज मंजूर की। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में बजट बहस समेत डाली। परवेज रशीद की खुर्शीद शाह से मुलाकात, फिर घुटनों को हाथ लगा दिया। सबको बताना चाहता हूँ कि बुजदिल नहीं, ऐसा एहतराम में किया, जैसा भी हूँ सबके सामने हूँ, वजीर इत्तलात का बयान। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत मुतहिदा अपोजिशन का इजलास, TOR पर डेडलॉक के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। उधर इलेक्शन कमीशन के नए अराकीन की तकरीरी के लिए पार्लिमानी कमेटी की मुशावरती बैठक, वजीर इत्तलात परवेज रशीद को कमेटी का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया। वक्त न्यूज की खबर का असर, घोटकी के माजूर शख्स को इंसाफ की उम्मीद बन गई। पुलिस ने बेटे के कत्ल का उल्टा मुकदमा खारिज कर दिया, भाई भी रहा। बासर जमींदार ने माजूर शख्स पर उल्टा मुकदमा दर्ज करवा दिया था। भारतीय गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस 24 मुलजिमान को सजा सुना दी गई। भारतीय अदलिया मुलजिमान पर इतनी मेहरबान कि सजाए मौत तो दरकिनार, किसी को कैद व मुशक्कत की सजा भी ना दी। और मॉडल अयान अली का नाम दोबारा ECL में डालने का मामला, डॉलर गर्ल की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA से जवाब तलब कर लिया।